कोई भी गवर्नमेंट अफगानिस्तान काबुल में जो आएगी वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग होगी, वो नेशनलिस्टिक होगी, जेनोफोबिक होगी। नेशनलिस्टिक तो एक दर्जा है, मैं तो कहूंगा कि वो जेनोफोबिक होगी। और जहां तक ड्यूरेंट लाइन का सवाल है, आपको उसका थोड़ी ही देर में खामियाजा आपको मिल जाएगा। आपने लाइन को फेंस करने की कोशिश करी और आपकी प्रॉब्लम जो है वो काफी बुरी तरह से स्टार्ट हो गई है। और जो आपकी तरफ से एक फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट, जो वेस्टर्न फ्रंट जो कि सिक्योर हो गया था, जहां पे नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़ यही अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान भुखमरी गरीबी से गुजर रहा है, लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। साथ में पाकिस्तान को चारों तरफ से कभी ईरान ठोकता है, कभी अफगानिस्तान ठोकता है, कभी बलूचिस्तान ठोक रहा है, और साथ के साथ उनके ही द्वारा पैदा किए गए आतंकवादी जो वो पाकिस्तान चाहता था कि मैं दूसरे देशों के ऊपर यूज करूंगा और एक अपना वर्चस्व कायम करूंगा, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया है। आज हर तरफ से पाकिस्तान को घेरा जा चुका है। जो भी TTP नामक एक जो इन्होंने आतंकवादी ग्रुप शुरू किया था, उसको पहले पाकिस्तान ने अच्छा खासा पाला पोसा, लेकिन आज वही पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है। और पाकिस्तान से आए दिन पाकिस्तान के सिपाहियों को, इनको आर्मी को ठोक रहा है और अपना जो वजूद है कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड न्यूज है दोस्तों, चलिए न्यूज को करते हैं। सबसे पहले अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो सर वाकई में लेने के देने पड़ गए हमें या नहीं? और ये हुआ क्या? क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट होती है किसी भी कंट्री की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और उनकी जो फौज होती है, एजेंसीज होती है, वो तो बड़ा सर नाप तोल के काम करते हैं, चलते हैं। तो फिर ये अफगानिस्तान के साथ पहले बहुत ज्यादा याराना रहा, बहुत दोस्ती रही, और अब जो कुछ हो रहा है TTP की तरफ से, आपके ख्याल से ये क्यों है? आरजू देखिए, जब वो दौर चल रहा था, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, हम शायद कुछ प्रोग्राम्स पे आए भी थे उस वक्त पाकिस्तान में, इफ आई मे पुट इट, देयर वाज अ वेव ऑफ ट्रायंफलिज्म कि साहब हम जो है जीत गए अफगानिस्तान में, वी हैव एडेड दैट स्ट्रेटेजिक डेप्थ टू पाकिस्तान। और आपके जो उस वक्त के DGISI साहब थे, जब वो गए काबुल में, तो उनका लहजा ऐसा था जैसे कि कोई कॉन्करिंग मिलिट्री हीरो के तौर पे वो जा रहे हो। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि साहब ये आपको, जैसे टू पुट इट, कोर्ट दैट फेमस कोर्ट, लेने के देने पड़ सकते हैं, उल्टे बांस बरेली को पड़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अफगानिस्तान काबुल में जो आएगी वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग होगी, वो नेशनलिस्टिक होगी, जेनोफोबिक होगी। नेशनलिस्टिक तो एक दर्जा है, मैं तो कहूंगा कि वो जेनोफोबिक होगी। और जहां तक ड्यूरेंट लाइन का सवाल है, आपको उसका थोड़ी ही देर में खामियाजा आपको मिल जाएगा। आपने लाइन को फेंस करने की कोशिश करी और आपकी प्रॉब्लम जो है वो काफी बुरी तरह से स्टार्ट हो गई है। और जो आपकी तरफ से एक फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट जो वेस्टर्न फ्रंट जो कि सिक्योर हो गया था, जहां पे बिल्कुल आपको चैन सकून की आप नींद लेने की सोच रहे थे, वहां पे आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट दीज कुड बी फोरसीन, वेरी फ्रेंकली, गिवन द नेचर ऑफ द अफगान रिपब्लिक, द नेचर ऑफ द अफगान तालिबान, द ज़ेनोफोबिक नेचर, यू फॉरगेट द अफगान तालिबान ऑफ एनी रिजीम दैट कम्स टू पावर इन काबुल, फॉर इट्स ओन सेल्फ इमेज, अपनी अपने आवाम के साथ, यू नो, टू कीप देयर इमेज इंटैक्ट, दे हैव टू बी एंटी पाकिस्तान। और ये हमेशा ही ना हिल्स और प्लेन्स का हमेशा ये प्रॉब्लम रही है। जहां भी आप देखें, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वहां भी प्रॉब्लम है, और वहां तो हार्डली हिल्स है, बट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिल पीपल, प्लेन्स पीपल, थोड़ा सस्पिशन म्यूचुअल रहता है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर, दैट इज व्हाट ज़ेनोफोबिया जो है, वी आर सीइंग इट प्ले आउट।
बिल्कुल सही। लेकिन सर अब हमने ये भी सुना है कि टीटीपी पाकिस्तान ने खुद ही बनाई, क्योंकि जाहिर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनका नाम शायद इसीलिए, उनकी तादाद भी बहुत कम है, इतने ज्यादा बड़े नंबर में वो नहीं है जितना कि पाकिस्तान के पास फौज है। तो इतनी बड़ी फौज जो है वो थोड़े से टीटीपी वालों को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही? बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम सीज फायर की बात सुनते हैं कि जी कुछ टाइम के लिए, एक मंथ के लिए रुक गए हैं और दो मंथ के लिए रुक गए, लेकिन वो टाइम खासतौर पर ऐसा होता है जिसमें हमें या तो IMF से पैसा मिला होता है या किसी ना किसी दूसरी कंट्री से पैसा मिला होता है। तो सुनने में ये आता है कि शायद कुछ पैसा वैसा दे दिला के उन्हें कहते हैं कि 30 डेज के लिए आराम से बैठ जाओ और उसके बाद फिर वो शुरू हो जाते हैं। अफगान गवर्नमेंट जो है वो कहती है जी पाकिस्तान जाने और TTP जाने, वो साइड पे हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो TTP का ही साथ दे रहे होते हैं। तो ये कंट्रोल कैसे होगा और क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? आपको लगता है कभी नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, क्योंकि पाकिस्तान डेफिनेटली KPK में तो नहीं आने देगा अफगानिस्तान उसको, TTP वालों को? नहीं बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल अब आपकी प्रॉब्लम चलती ही रहेगी, और भी चीजें कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। जो आपने रिफ्यूजी, आई मीन यू आर आल्सो एब्सोल्युटली राइट इन योर वे, टू कब तक आप रिफ्यूजी पाल के रखते? आपने उनको वापस भेजना शुरू किया है, वापस धकेलना शुरू किया है, और उससे भी ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। फिर इस वक्त वो जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, इकोनॉमिकली इट्स इन अ टेरिबल शेप, टेरिबल हालात में है। उनको भी जब तक कि उनके ट्रेड रूट्स और ना खुलेंगे, जैसे कि लेट अस से बाय द चाबहार रूट ईरान के जरिए उनको माल असला नहीं आना शुरू हो जाएगा, उनकी इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लमेटिक ही रहेगी। और वो जो एक्सेस की भी प्रॉब्लम्स आप लोग और पाकिस्तान पैदा कर रहा है बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, देखिए जो काबुली वाला था ट्रेडिशनल, यू नो वो टैगोर साहब ने बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी कहानी लिखी है काबुली वाला पे, वो काबुली वाला इट जस्ट टोल टेल्स यू कि जो मार्केट है नेचुरल मार्केट अफगानिस्तान की और दे ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम वगैरह वगैरह, वो सब की सब इंडिया की तरफ थी, ट्रेडिशनल मार्केट उनकी इंडिया है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की इकोनॉमी तब तक रिवाइव नहीं हो सकती जब तक उसके इंडिया के साथ काफी वेल एस्टैब्लिश्ड लैंड कॉरिडोर्स हों, ट्रेड कॉरिडोर्स हों, वाया ईरान छाबहार, वो जो रिंग रोड जो बनी थी उसके जरिए ये कनेक्टिविटी ना होनी शुरू हो, तब तक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अब साहब वो काफी फ्री फॉर ऑल नो मैन्स लैंड भी हो गया है। अभी हमने देखा कि जो अफगानिस्तान के ठीक पार ताजिकिस्तान है वहां पे रिक्रूटमेंट कर रही है CIA, जिससे उन्होंने मॉस्को के ऊपर हिट किया। आई मीन वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट। तो आई एम श्योर इट वहां कोई बॉर्डर जो सेंट्रल एशिया पे है, नन ऑफ दोज बॉर्डर्स आर वेरी वेल डिफाइंड बॉर्डर्स, पोरस बॉर्डर्स हैं। अगर ताजिकिस्तान में हो रहा है तो आई एम वेरी श्योर CIA का प्ले, KGB, FSB का प्ले, और ISI तो है ही अफगानिस्तान के अंदर, बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो वहां पे अब इनरोड्स कर रही हैं। एंड मुझे तो इस तरफ से ट्रबल ही दिखती है पाकिस्तान के लिए। यू सी इट इज एसेंशियल दैट ये चीज आप जल्दी कंट्रोल करें, नहीं तो जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन पाकिस्तान में है वो मेरे हिसाब से पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन, अगर ये फॉल्ट लाइन जो है ये दरार अगर गहरी हो गई, देन पाकिस्तान is likely to face severe problems. You see, Baluchis जो हैं, उनका एरिया बहुत है, almost 60% of Pakistan. Population size बहुत छोटा है, number one. Number two, that is not ideal guerrilla terrain. वो dense jungle नहीं है जहाँ पे guerrilla छुप सकते हैं। आपकी air power से, आपके helicopter से, fighter jet से, आप उनको locate कर सकते हैं। एनी मूविंग टारगेट्स वहां पे आप उनको टैकल कर सकते हैं, और आप टैकल कर भी रहे हैं। सिंध में भी आपकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ने नहीं वाली, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपकी वाया तरीके तालिबान पाकिस्तान आपकी पख्तूनख्वा में, आपके फाटा वगैरह में अगर स्प्रेड होती है, देन यू आर फेसिंग अ सिवियर चैलेंज which was not there hitherto.
जब तक अफगान वॉर चल रही थी आपकी तो अलायंस थी, आपका आपके सपोर्ट को वो कबूल भी करते थे कि हाँ यू आर हेल्पिंग देम फाइट द रशियंस, और उसके बाद नॉर्दर्न अलायंस जब आई वगैरह वगैरह, वो एक और फेज था। ये फेज बिल्कुल खत्म हो गया है क्योंकि अब कोई एक्सटर्नल थ्रेट अफगानिस्तान को वैसी नहीं रहेगी जिसके लिए उसे ओवर द शोल्डर आपकी तरफ देखना पड़े, और अब उनका ज़ेनोफोबिया जो है नॉर्मल, जो उनका ट्रेडिशनल रहा है, और खासतौर ड्यूरांड लाइन को लेकर उनकी सेंसिटिविटी, यूसी हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये सारा इलाका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है आपकी पश्तूनख्वा है, फाटा वगैरह है, ये सब रंजीत सिंह के जमाने में इंदस के पार ये कैप्चर किया गया था। वो तब से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो इंदस को नेचुरल बाउंड्री समझते हैं, बिटवीन द हाईलैंड्स एंड द लोलैंड्स, बिटवीन द प्लेन्स एंड दिस थिंग। तो ये प्रॉब्लम एरिया तो काफी गहरा है, एंड इसको जितना जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाए मेरे ख्याल वो पाकिस्तान तो की। देखा दोस्तों आपने कि जैसे कहा तैसा, अब पाकिस्तान ने जब से इनको पालना शुरू किया था और अपना धीरे धीरे कभी भारत के ऊपर भी हमले करवाता था, अफगानिस्तान में भी, ईरान में भी, पाकिस्तान ये चाहता था कि उनका एक अलग से ही उसका वर्चस्व बने और उसकी ये ताकत उसके ज़रूर काम आएगी, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ, जो उन्होंने सांप पाला था उसने पाकिस्तान को काट लिया है आज। और TTP ने अब पीछे भी एक कुछ बड़े हमले किए थे और आए दिन कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर TTP के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। अब TTP अपना पूरा वर्चस्व इसके अंदर पाकिस्तान में फैलाना चाहता है और पाकिस्तान से अपना पूरा हक लेना चाहता है, और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान तालिबान की तरह उनकी ही देख रेख में चले। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।